नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान जो है काफी डिफरेंट एक कंपैरिजन करने वाले हैं। यहाँ पर हम Redmi Note 7 के साथ जो है Redmi Note 11 का कंपैरिजन करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर जो है क्या क्या डिफरेंस देने को मिलता है Redmi Note 7 से Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर। हमने यहाँ पर रिसेंटली Redmi Note 11 डिवाइस को परचेस किया है। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है एक कंपैरिजन करके देखते हैं क्या क्या चेंजेस देने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर Redmi Note 7 जो डिवाइस है 2019 में रिलीज हुआ था, अवेलेबल हुआ था, लॉन्च किया गया था। यहाँ पर जो Redmi Note 11 डिवाइस है 2022 में लॉन्च हुआ था। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो क्या क्या डिफरेंस देने को मिलेगा Redmi Note 7 एंड Redmi Note 11 के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हमने यहाँ पर जो Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर जो है अभी फिलहाल जो है हमने यहाँ पर बुटलोर को अनलॉक नहीं किया है। जो आपको यहाँ पर MIUI ROM देने को मिलता है उसे हमने यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देखिए बारो अभी फिलहाल जो है पर एंड्रॉयड 11 के साथ जो है MIUI 13 अवेलेबल है। एंड यहाँ पर हमने जो है Redmi Note 7 डिवाइस को जो बुटलोर को अनलॉक किया है। एंड यहाँ पर हम जो है यहाँ पर एंड्रॉयड 13 का जो बिल्ड है यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जो है SparkOS 13.5 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है, ऑफिशियल बिल्ड है। एनीवे हमने इस रॉम का जो रिव्यू वीडियो है ऑलरेडी अपलोड किया है, सिंपली Redmi Note 7 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने कस्टम रॉम इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं पर जो मेन क्या क्या डिफरेंस आपको देने को मिलेगा Redmi Note 7 एंड Redmi Note 11 के ऊपर। तो मेन जो डिफरेंस हमने यहाँ पर नोटिस किया है आप देख सकते हो जो डिस्प्ले के ऊपर Redmi Note 7 डिवाइस के ऊपर जो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर डिस्प्ले देने को मिलता है। इसे आपको यहाँ पर जो है डिस्प्ले के ऊपर जो है आपको वाटर नॉच देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर Redmi Note 11 के ऊपर आपको यहाँ पर पंच होल देने को मिलता है डिस्प्ले के साथ। तो आपको यहाँ पर जो है देखिए बार पर जो नॉच है नॉच में जो है चेंजेस देने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरह से डिस्प्ले के साथ जो है डिफरेंस देने को मिलता है। और एक डिफरेंस हमने यहाँ पर नोटिस किया है यहाँ पर जो Redmi Note 7 के ऊपर डिस्प्ले है उससे आपको यहाँ पर IPS LCD डिस्प्ले देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर Redmi Note 11 के ऊपर आपको यहाँ पर जो है AMOLED डिस्प्ले देने को मिलता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है मेनली आपको यहाँ पर देने को मिलेगा डिस्प्ले के साथ। तो यहाँ पर IPS डिस्प्ले है एंड यहाँ पर आपको जो है AMOLED डिस्प्ले देने को मिलता है। एंड बाकी आपको डिजाइन भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ज्यादा बेजल्स देने को मिलेगा, यहाँ पर जो बेजल्स काफी कम है। एंड देखिए बारो एंड यहाँ पर आपको जो है 6.3 इंच का एक डिस्प्ले देने को मिलता है जो कि 60 हर्ट्ज का है। एंड यहाँ पर आपको जो है 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देने को मिलेगा, प्लस AMOLED डिस्प्ले है, पंच होल देने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरह से जो वाटर ड्रॉप नॉच देने को मिलता है। मेनली जो डिफरेंस है आपको यहाँ पर जो है डिस्प्ले के साथ देने को मिल जाएगा, ये चीज हमने नोटिस किया है। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर आपको Redmi Note 7 डिवाइस के ऊपर जो स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर देने को मिलेगा, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जो कि 2.2 GHz में काम करता है। यहाँ पर आपको Redmi Note 11 के ऊपर जो है स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर देने को मिलेगा, ये भी ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जो कि 2.4 GHz में काम करता है। हमने यहाँ पर जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन से रन किया था दोनों रॉम के साथ, देख लेते हैं किस तरह से है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो Redmi Note 7 के बारे में। तो यहाँ पर लगभग 5 मिनट के लिए एजो टेस्ट हमने रन किया था। मैक्स गया है 165, एवरेज है 155, मिनिमम है 135। यहाँ पर 91% का सीपीयू थर्ड देने को मिल गया है। मैक्स सीपीयू गया है 2.20 GHz तक। अगर बात करें Redmi Note 11 के बारे में तो यहाँ पर हमने जो है 5 मिनट के लिए एजो टेस्ट रन किया था। मैक्स गया है 174, एवरेज है 164, मिनिमम है 147। यहाँ पर 88% का सीपीयू थर्ड देने को मिल गया है। मैक्स सीपीयू गया है 2.40 GHz तक। तो यहाँ पर आपको जो है Redmi Note 11 के ऊपर जो है आपको ज्यादा जो है क्लॉक स्पीड देने को मिलेगा, देख सकते हो 2.20 है। एंड यहाँ पर जो मैक्स व्यू है 2.40 है। एंड यहाँ पर Redmi Note 11 का जो परफॉर्मेंस है ज्यादा अच्छा है, देख सकते हो पर जो मैक्स जो है 174 है, यहाँ पर है 165। एंड एवरेज भी देख पाओगे, एवरेज जो है Redmi Note 11 का ज्यादा अच्छा है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पर जो सीपीयू थोड़ा ले 91% है, 88% है, तो आपको डेफिनेटली Redmi Note 11 के साथ आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने को मिलता है। बट यहाँ पर जो डिफरेंस है इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर Redmi Note 7 के साथ भी आपको कुछ इस तरह से जो है सिमिलर जो है परफॉर्मेंस देने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं यहाँ पर Geekbench 5 के बारे में। यहाँ पर आपको जो डिफरेंस देने को मिलता है, देख सकते हो पर जो
रेबोनोट 7 डिवाइस के साथ जो सिंगल कोर के साथ 305 है एंड मल्टी कोर के साथ जो 1376 का जो है स्कोर देने को मिल गया है। एंड यहाँ पर आप देख पाओगे रेबोनोट 11 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 387 एंड मल्टी कोर के साथ जो है 1715 का स्कोर देने को मिल गया है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है काफी ज्यादा है, देखिए यहाँ पर जो मल्टी कोर का जो डिफरेंस है प्लस यहाँ पर जो सिंगल कोर के साथ भी आपको डिफरेंस देने को मिल जाएगा। स्पेशली यहाँ पर जो है रेबोनोट 11 के साथ जो है और मल्टी कोर के ऊपर जो है बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देने को मिल गया है, चीज हमने नोटिस किया है। बाकी अगर बात करें यहाँ पर जो है 3D मार्क के बारे में, तो यहाँ पर जो है 3D मार्क के साथ जो है रेबोनोट 7 के ऊपर जो है ज्यादा स्कोर देने को मिल गया है। एंड देख ही सकते हो तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देने को मिलता है। नाउ यहाँ पर मेरे हिसाब से डेफिनेटली रेबोनोट 11 के ऊपर आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो 660 है एंड 680 के ऊपर आपको जो है ज्यादा डिफरेंस देने को नहीं मिलेगा। अगर आप जो है दोनों रॉम के ऊपर अगर आप दोनों डिवाइस के ऊपर जो कस्टम को इंस्टॉल करोगे आपको ऑलमोस्ट सिमिलर जो है परफॉर्मेंस देने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो डिफरेंस हमने नोटिस किया है उसके ऊपर बैटरी है, तो यहाँ पर आपको रेबोनोट 7 डिवाइस के ऊपर जो है 4000 mAh की बैटरी देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर रेबोनोट 11 के साथ आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देने को मिलता है। यहाँ पर एक चीज है जो डिफरेंस है उसके पर जो है फास्ट चार्जिंग के साथ साथ जो है बैटरी कैपेसिटी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको रेबोनोट 11 के ऊपर जो है 1000 mAh का जो है ज्यादा बैटरी देने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर आपको 33 वाट का जो है फास्ट चार्जिंग देने को मिलता है। एंड यहाँ पर रेबोनोट 7 डिवाइस के साथ जो आपको शायद 18 वाट का जो है फास्ट चार्जिंग देने को मिलेगा। एंड दोनों डिवाइस के साथ आपको जो है फास्ट चार्जिंग जो है आपको बॉक्स में देने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर रेबोनोट 7 डिवाइस जो है काफी पुराना हो गया है, बट फिर भी यहाँ पर आपको जो है फास्ट चार्जिंग देने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है 1000 mAh का जो है ज्यादा बैटरी देने को मिलता है रेबोनोट 11 के साथ। नेक्स्ट जो डिफरेंस हमें देने को मिलता है उसके ऊपर कैमरा के ऊपर, तो यहाँ पर जो है रेबोनोट 11 के ऊपर जो है बहुत सारी कैमरा है। यहाँ पर आपको 2 कैमरा देने को मिलेगा एंड यहाँ पर जो है आपको टोटल क्वाइट कैमरा देने को मिल जाएगा। एनीवे आपको यहाँ पर जो है रेबोनोट 7 के ऊपर जो है आपको यहाँ पर 12 MP क्योंकि हमारे पास जो है रेबोनोट 7 है, रेबोनोट 7 है स्कोर आपको जो है 48 MP देने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है रेबोनोट 7 के ऊपर जो 12 MP प्लस 2 MP का जो है रियर कैमरा देने को मिलेगा। फ्रंट में आपको यहाँ पर जो है 13 MP का जो है कैमरा देने को मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर जो है रेबोनोट 11 के ऊपर आपको शायद जो है 50 MP का जो है मेन कैमरा देने को मिलेगा। इसके अलावा आपको वाइड एंगल लेंस है, मैक्रो लेंस भी देने को मिलता है। बाकी देखिए पा रहे हैं फ्रंट में आपको जो है 13 MP का जो है कैमरा देने को मिलता है। ना यहाँ पर जो कैमरा है कौन सा ज्यादा बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से जो कैमरा है ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। फिर एक बार ट्राई करके देखते हैं किस तरह से आपको कैमरा के साथ जो है फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। तो यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है बाई डिफॉल्ट ए वाला जो कैमरा एप्लीकेशन है देने को मिलता है। एंड यहाँ पर आपको जो है MIUI कैमरा देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देने को मिलता है। डेफिनेटली मेरे हिसाब से दोनों डिवाइस का जो कैमरा जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज्यादा कुछ डिफरेंस देने को नहीं मिलता है। तो एक बार जल्दी से फोटो को क्लिक करके देखते हैं क्या क्या डिफरेंस देने को मिलता है। ठीक है, तो फोटो क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है पोकोफोन डिवाइस का जो फोटो क्लिक करने वाले देखते किस तरह से पड़ जाए यहाँ पर फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने जो है रेबोनोट 7 डिवाइस का जो फोटो क्लिक किया है, यहाँ पर जो है रेबोनोट 11 के साथ जो फोटो को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर दोनों को जो है साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हैं। देख सकते हो कुछ इस तरह से रेबोनोट 7 डिवाइस को फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको रेबोनोट 11 को कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। डिफरेंटली फोटो के ऊपर जो है यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंस आपको देने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो कलर टोन के साथ जो है डिफरेंस देने को मिलता है। यहाँ पर हमने जो है MIUI के साथ जो है जो फोटो क्लिक किया है रेबोनोट 11 के ऊपर एंड यहाँ पर आपको जो है बाय डिफॉल्ट जो कैमरा एप्लीकेशन था उसके साथ हमने क्लिक किया है। तो यहाँ पर जो है कैमरा एप्लीकेशन डिफरेंस से डिफरेंट कैमरा एप्लीकेशन है, इसलिए शायद जो है पर डिफरेंस देने को मिल सकता है। बट आपको मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर रेबोनोट 11 के साथ जो है आपको ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा जो है अच्छा कैमरा देने को मिलेगा। डेफिनेटली ज्यादा कैमरा है प्लस 50 MP का जो है मेन कैमरा देने को मिलता है। एनीवे दोनों डिवाइस के ऊपर जो है मेमोरी कार्ड का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो जो है पर मेमोरी कार्ड को जो है यूज कर सकते हो दोनों रॉम के साथ, दोनों डिवाइस के साथ काम कर सकते हैं। दोनों जो डिवाइस है डुअल 4G डिवाइस है प्लस दोनों डिवाइस के साथ जो पर आयर ब्लास्टर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर दोनों डिवाइस के साथ जो पर आयर ब्लास्टर का जो ऑप्शन से अवेलेबल है प्लस दोनों डिवाइस के साथ जो पर हेडफोन जैक का जो ऑप्शन से अवेलेबल है।
एक चीज हम नोटिस किया है पर रेबोनोट 11 को आपको जो है ड्यूअल स्टूडियो स्पीकर देने को मिलता है, जो कि यहाँ पर रेबोनोट 7 डिवाइस के ऊपर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर रेबोनोट 11 जो डिवाइस है उसके ऊपर 4G डिवाइस है, 5G डिवाइस नहीं है, चीज आपको ध्यान में रखना होगा। प्लस यहाँ पर रेबोनोट 11 के ऊपर आपको जो है पर IP53 डस्ट एंड प्लस प्रोटेक्शन देने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले है जो कि काफी बढ़िया है। एंड यहाँ पर जो है आपको रेबोनोट 11 के साथ जो ढेर सारी इंप्रूवमेंट देने को मिलेगा। मेनली आपको यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले देने को मिलता है, प्लस 90Hz का डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको जो है 5000mAh की बैटरी है, 1000 ज्यादा बैटरी बैकअप देने को मिलेगा। प्लस 33W का जो है फास्ट चार्जिंग देने को मिल जाएगा। प्लस आपको यहाँ पर IP53 जो है रेटिंग भी देने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया है। बट मेरे हिसाब से रेबोनोट 7 एंड रेबोनोट 11 के ऊपर जो है जो डिफरेंस है वो नोटिस आप कर पाओगे। बट यहाँ पर जो कस्टम नॉम है दोनों नॉम के लिए ही अवेलेबल है। एंड मेरे हिसाब से आप जो है दोनों नॉम को, दोनों डिवाइस को आप जो है 2023 में जो है यूज कर सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। नहीं पर रेबोनोट 7 के साथ भी जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया है, इसका जो बैटरी बैकअप है काफी बढ़िया है। इसलिए हमने इस डिवाइस का जो बैटरी है उसे जो है रिप्लेस किया था MI का जो सर्विस सेंटर है वहां पर जाके, उसके बाद जो है काफी बढ़िया बैटरी बैकअप देने को मिल रहा है। एंड रेबोनोट 7 डिवाइस जो है पर्सनली मेरे को काफी ज्यादा पसंद है। एनीवे आपको दोनों डिवाइस में से कौन सा पसंद है आप जरूर से कमेंट करके बोल सकते हो। एनीवे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।